वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं पूजा आपका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ब्यूटीज एंड ब्लॉग्स। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी प्यारी सी ज्वेलरीज, जो कि इयररिंग्स हैं, बैंगल्स हैं। और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ये दो प्लांट्स जो मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं। ये सब कुछ मैंने मीशो से ऑर्डर किया था और ये सब मुझे मीशो से रिसीव हुआ है, मिला है, मैंने खरीदा है। सो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और नोटिफिकेशन की बेल को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर, तो स्टार्ट करते हैं चलिए। सो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये प्लांट्स। जो ये प्लांट्स मैंने मीशो से ऑर्डर किए हैं और दोनों ही मैंने मीशो से ऑर्डर किए हैं। ये मुझे पॉट्स के साथ रिसीव नहीं हुए थे, इसी तरीके से रिसीव हुए थे, बट बहुत अच्छी क्वालिटी में और बहुत अच्छी पैकेजिंग में रिसीव हुए थे। पीछे आपको दिख ही रहे होंगे कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज हो गया है और बहुत ज़्यादा अच्छा वाइब भी मिल रहा है मुझे इस ग्रीन प्लांट से। सो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। अब आते हैं हम अपनी ज्वेलरीज पर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी ज्वेलरी। सो फर्स्ट पीस जो है वो कुछ इस तरीके का, ये पिंक कलर का इयररिंग्स का सेट है जो मैंने ऑर्डर किया है। ये मैंने अपनी वीडियोस में पहना भी है, शायद किसी ब्लॉग में पहना होगा, बट बहुत ही प्यारा है। और आप देख सकते हो पूरे में पर्ल का वर्क किया हुआ है। यहाँ पर नीचे झुमका है एंड यहाँ पे भी पर्ल का वर्क है। आवाज थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आती है, पहनने पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आपको पहन करके एक एक दिखा देती हूँ, बट पहनने पर बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। आप किसी भी ग्रीन कलर की ड्रेस के साथ, पिंक कलर की ड्रेस के साथ, व्हाइट कलर की ड्रेस के साथ आप पेयर कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है ये वाला पीस। तो ये फर्स्ट पीस है जो मैंने ऑर्डर किया है एंड यू कैन सी दिस, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर सा लगता है। सो ये है पहला पीस। सेकेंड पीस जो है वो है कुछ इस तरीके का लॉन्ग इयररिंग्स। आजकल ये इस तरीके की स्टेटमेंट इयररिंग्स बहुत ज़्यादा फैशन में है, बहुत ज़्यादा चली हुई है, क्योंकि आपने कुछ भी अगर गले में नहीं पहनने का दिल है ना, तो आप इस तरीके की स्टेटमेंट वाली इयररिंग्स डाल सकते हो। अभी जो मीशो हॉल गया है उसमें मैंने ये वाली पहनी हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मैं लिंक कर दूंगी, आप प्लीज जैकेट के चेकआउट करना। बहुत सुंदर सुंदर कुर्ता सेट्स मैंने शेयर किए हैं उस वीडियो में और ये वाली इयररिंग्स भी डाली हुई है, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसी लग रही है। सो ये कुछ इस तरीके की लग रही है पहनने के बाद, बहुत ही खूबसूरत है। पूरे में आपको क्रिस्टल का वर्क किया हुआ है और यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सा एक लटकन भी मिला हुआ है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारी और स्टेटमेंट लुक लगता है, बहुत ही अच्छी लगती है इस तरीके की इयररिंग्स। और आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी हैं, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। नेक्स्ट मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है कुछ इस तरीके की ऑक्सीडाइज झुमके। ओ माय गॉड, आई एम जस्ट इन लव विथ दिस झुमकास। इतने सुंदर लगते हैं ना ये पहनने के बाद, इतने खूबसूरत लगते हैं। कुछ भी नहीं पहना है आपने अपने गले में, बस खाली इनको डाल लो, ओ माय गॉड, ये पूरा लुक चेंज कर देंगे, बिल्कुल एकदम आपका लुक जो है वो एकदम इन्हांस कर देंगे। और सभी लोग आपसे पूछने वाले कि ये वाले झुमके आपने लिए कहाँ से हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे प्राइस में है, बहुत रीजनेबल प्राइस में है और बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड वेटलेस है। ये बिल्कुल भी वेटेड नहीं है, आपको बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं फील होगी। सो इट्स इज़ द ब्यूटिफुल झुमका, आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। इसमें पूरे में मिरर का वर्क किया हुआ है, आप देख ही सकते हो पूरे में रियल मिरर्स हैं, ठीक है, सारे में रियल मिरर्स है। यहाँ पे घुंघरू है जो थोड़ा बहुत आवाज़ करता है, तो ये इरिटेट, अगर जो लोग होते हैं घुंघरू की आवाज़ है तो ये इरिटेट नहीं हो गया आप लोग, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई आवाज़ नहीं करता, बट ये पूरे रियल मिरर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट पीस जो है वो, अगर आपको इतनी ज़्यादा हैवी पहनने का दिल नहीं है और आपको कुछ हल्दी में पहनना है, येलो कलर में, ग्रीन कलर में, तो आप इस तरीके की इयररिंग्स के साथ जा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत लगती है पहनने के बाद। राउंड सा ऊपर आपको मिल जाता है और नीचे झुमका मिल जाता है। मोस्टली सब झुमके टाइप के ही हैं, क्योंकि ये सूट्स में, साड़ीज़ में और लहंगे में काफ़ी अच्छे से चले जाते हैं, जो कि वेडिंग सीजन चल रहा है, तो इसमें वेडिंग सीजन में हमें इसी टाइप की ही जो है वो इयररिंग्स या फिर सेट्स
चाहिए होते हैं। सो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, पहनने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आप इसको डेली वेयर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ज्यादा कलर्स हैं इसमें, मल्टी कलर में है, तो हर किसी ड्रेस के साथ ये चला जाएगा। सो ये जो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही छोटी सी झुमकी है, बहुत ही छोटी सी। अगर आप बहुत ज्यादा हैवी टाइप का कुछ नहीं पहनना चाहते हो तो आप ये वाली छोटी वाली झुमकी ट्राई कर सकते हो। इनके पेयर्स मिलते हैं 6, 12 और 5 इस तरीके के पेयर्स मिलते हैं, तो आप ये वाले ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं और इनको आप डेली वेयर में भी ट्राई कर सकते हो। यू कैन सी, अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, पहनने के बाद भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। सूट के ऊपर भी पहन सकते हो, इंडो वेस्टर्न के ऊपर भी पहन सकते हो। मेरा वाला जो कलर है वो ब्राउन कलर है, मेरे पास इसमें रेड कलर भी है, ब्लू कलर भी है, और ये वाला कलर भी है, और शायद एक कलर और होगा मेरे पास, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मेरे पास 3-4 कलर्स हैं इसमें के। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये कफ्स। ये जो है वो ईयर्स के ऐसे ऐसे लगाने होते हैं, शायद इनको कुछ इस तरह से लगाना होता है, और ये पूरा कवर कर लेते हैं आपके कान को, और बहुत अच्छे लगते हैं पहनने के बाद। एक सेकंड मैं उल्टा लगा रही हूँ। ये वाला हिस्सा जो है वो नीचे जाता है, ये वाला हिस्सा यहाँ आता है, और ये कुछ इस तरीके से लगता है। मेरे कान फंस क्यों नहीं रहा भाई? अच्छा हाँ जी, ये देखो, ये कुछ इस तरीके से लगता है। नीचे आप अपना इयररिंग्स डाल लो या ये वाला लगा लो, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और बहुत ही हैवी सा लुक आता है, बहुत सुंदर लगता है। सो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छी सी और नई सी चीज़ है। अब बात करते हैं रिंग्स की। तो इयररिंग्स कंप्लीट हो गई, तो रिंग्स है। अब ये पहली रिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये ना ऑक्सीडाइज वाली रिंग है, एंड इट इज सो ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी है ना, पूरे में ब्लैक एंड जो है वाइट कलर के स्टोन से वर्क किया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है एंड एकदम स्टेटमेंट पीस लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप ये वाला ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि ये हर किसी ड्रेस के साथ आपके चला जाएगा एंड बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। उसके बाद जो पीस मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो कुछ इस तरीके का है, पर्ल वाला है, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप देख ही सकते हो। ये मैं हटा देती हूँ, अगर आप इसको देखो तो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बीच में आपको पर्ल मिल जाती है, अगल बगल स्टोन्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, एंड या इट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल थिंग। उसके बाद जो लास्ट रिंग मैं आपके साथ शेयर करी वो कुछ इस तरीके की, ये तो मेरा दिल ही ले गई है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, पूरी ब्लैक स्टोन पे है और बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, बहुत ही स्टाइलिश से लगती है। कहीं पे भी मिडिल फिंगर में, यहाँ पे रॉन्ग मत समझना यार, यहाँ पे कहीं पे भी पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाली है, बहुत ही प्यारी रिंग है ये, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो आप डेफिनेटली इसको भी ट्राई कर सकते हो। ओके, लास्ट में मैं आपके साथ, लास्ट नहीं है अभी ये, क्योंकि ये इयररिंग्स और सेट्स के बारे में अब लास्ट है, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला सेट। ये मैंने करवा चौथ पे परचेज किया था मीशो से, ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, आप देख सकते हो। मैं अभी इसको पहन करके आपको दिखाती हूँ, आपको इतना ज़्यादा ये मतलब बिल्कुल हैवी सा लुक देता है, एकदम ही नहीं लगेगा कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है। इतना ज़्यादा खूबसूरत सेट है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है पहनने के बाद, बहुत ही सुंदर लगता है। सो आप डेफिनेटली ये वाला सेट तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकती हो, कुंदन का सेट है एंड पूरे में आपको अच्छा खासा स्टोन वर्क मिला हुआ है। यहाँ पे ये रेड कलर के स्टोन से पूरा वर्क किया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। साड़ी और लहंगे के साथ तो ये कमाल का लगने वाला है, सूट्स के साथ तो उतना ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि कोई इतना ज़्यादा हैवी सूट्स के साथ नहीं पहनता, लोग साड़ी के साथ और लहंगे के साथ ही पहनते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हो। यहाँ पे पर्ल का वर्क किया हुआ है ये, और फिर उसके बाद बड़े बड़े से स्टोन लगे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। पीछे से भी आप देख सकते हो, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे पर्ल मिले हुए हैं पूरी तरफ से, अच्छे से पीछे डोरी भी मिली हुई है, कई बार मैंने इसको पहना हुआ है। अच्छा, इसकी इयररिंग्स जो है वो कुछ इस तरीके की है, ठीक है, ये इसकी इयररिंग्स है, जैसा वो है वैसी ही इयररिंग्स है, एंड काफ़ी अच्छी एंड ह्यूज इयररिंग्स है, काफ़ी बड़ी बड़ी सी इयररिंग्स है। उसके साथ आपको मिल जाता है एक बहुत ही प्यारा सा मांग टीका भी,
जो कि कुछ इस तरीके से लगता है, बहुत ही प्यारा सा मांग टीका इसके साथ आपको मिल जाता है। सो कंप्लीट सेट आपको रिसीव हो जाता है और प्राइजेस वगैरह सब कुछ आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो हाँ जी, तो आप चेक करते हैं हम अपनी बैंगल्स को। बैंगल्स को कैसे भूल सकते हैं, तो ये मैंने पिंक कलर की एक बैंगल्स ली है। ये कुछ इस तरीके की ना प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पूरी पिंक है एंड पूरे में स्टोन का वर्क किया हुआ है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। एक एक हाथों में भी डाल लोगे तो अच्छी लगने वाली है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है मुझे ये वाली। इसके बाद जो मैंने बैंगल्स का सेट खरीदा है ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये आप देख सकती हो रोज गोल्ड में है। ये सब अलग अलग खरीदा है मैंने, ठीक है। ये दो सेट्स अलग थे, ये दो सेट मैंने अलग खरीदे और ये चार का सेट मैंने अलग से खरीदा है। अभी मैंने इनको पेयर किया था और आप इसी तरीके से मार्केट में जाओगे तो आपको जो मार्केट में जो सेलर्स हैं, जो चूड़ी वाले हैं, वो यही सारे लगा लगा के देते हैं और कितने एक्सपेंसिव चूड़ीज देते हैं। तो आप इस तरीके के सेट्स ऑर्डर कर सकते हो। ये रोज़ गोल्ड में कड़ा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। अगर आपने एक हाथ में इसको पहना हुआ है और एक हाथ में अपनी अपनी वॉच पहन ली है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो भी वॉच आपको पसंद है, बस आपके लिए उतना ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है पहनने के बाद, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। उसके बाद आप ये चारों सेट्स देख सकते हो, इससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत से सेट्स हैं। इनको भी आप पहनोगे एंड एक हाथ में आपने अपनी घड़ी पहन ली है तो बस कुछ और पहनने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी बैंगल्स है ये। तो सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने ये वाले चूड़ा सेट्स ऑर्डर किए थे जो कि बहुत ही खूबसूरत रिसीव हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर वाले रिसीव हुए हैं। आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं यार। एक हाथ में अगर एक भी पहन लिया ना, मज़ा ही आ जाना है। ये पूरा इसका सेट है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से इसका सेट है। उसके बाद फिर आपको मिल जाता है ये वाला सेट जो कि कुछ इस तरीके का सेट है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये पहनने के बाद, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगल बगल आपको दो चूड़ियाँ मिली हैं, ये सारे प्लास्टिक के हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा टूटने वाला नहीं है, प्लास्टिक का है। उसके बाद आपको ये मोटा सा कड़ा मिला है, अगर आपको वो चूड़ियाँ नहीं पहननी है तो आप सिंगल ये मोटा वाला कड़ा भी डाल सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और बाकी तो आपको सेट्स मैंने पूरे दिखा दिए एंड ये सबसे प्यारी चीज़ है, मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लगा ये वाला सेट। ये वाला बहुत ज़्यादा प्यारा है, आप डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हो। पर्ल का वर्क किया हुआ है, स्टोन का वर्क किया हुआ है एंड इट्स ब्यूटीफुल। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छे लगे हो ये सारी ज्वेलरीज वगैरह, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा कि क्या अच्छा लगा है आपको और नोटिफिकेशन की बेल को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही थम्स अप का बटन होगा, बस उसको प्रेस करना है और कुछ करना नहीं है, बस ऐसे दबा देना है और एक घंटी होगी उसको प्रेस कर देना है और एक ब्लैक कलर का आ रहा होगा उसमें सब्सक्राइब लिखा होगा, बस उसको प्रेस कर देना और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।